गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। आज है 17th नवंबर। ये आप लोग को दो दिन या एक दो दिन में वीडियो मिलेगा, 19 या 20 तक वीडियो मिलेगा। बट गाइस, आज 17th नवंबर है। दिस इज़ द फर्स्ट डे जब मैं मेरे ससुराल आई थी आफ्टर हमारी लव स्टोरी अलग है। सो या दिस इज़ द फर्स्ट डे जब मैं मेरे ससुराल आई थी इन 2018। इट्स बीन 3 ईयर्स। या तभी मेरे मॉम गाँव गए हुए थे, मतलब मदर इन लॉ गाँव गए हुए थे। बट या बाकी सब थे तो मैं फर्स्ट टाइम यहाँ घर पे आई थी। एंड सो या आज का वीडियो इसलिए मैंने किया है बिकॉज मैं मेरे हस्बैंड को एक सरप्राइज देना चाहती हूँ एज अ डिनर और वट एवर ही वॉन्ट्स। तो उनको कोई आइडिया नहीं है हम क्या करने वाले हैं, किधर जाने वाले हैं, या फिर पहली बात तो ये है कि हम उनके अकॉर्डिंग जाने वाले हैं, जहाँ भी जाने वाले हैं। वट एवर ही लाइक्स, वट एवर ही वॉन्ट्स, हम वही करने वाले हैं। ओके, सो अभी इट्स ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम है, तो पूरा दिन थकान में गया है। एंड अब उनको बताते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं एंड लेट्स कैप्चर हिज रिएक्शन, कि हाउ हिज रिएक्शन इज। ओके गाइस, चलिए उनसे मिलते हैं। तो आज जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या है आज वीडियो, किस चीज़ का है। ओके, एंड मैं आपको बता देती हूँ कि आज इनको पता नहीं है कि क्यों है ये एक सरप्राइज है इनके लिए कि आज मेरे को ससुराल में 3 साल हो गए, ससुराल में आए हुए, शादी को नहीं, ससुराल में आए हुए 3 साल हो गए हैं। सो आज मैंने आपके लिए डिनर प्लान किया है, जो भी है आपको मतलब खाना है वो खाने मिलेगा, चाइनीज़, जंक फूड, या फिर होममेड, मतलब होममेड टाइप फूड रेस्टोरेंट में, या फिर जो भी आपको मन करे वो खाने मिलेगा। उसके पहले अगर आपको कुछ चाहिए वो भी आप बता सकते हो, आपको आज मिल सकता है। सो आपका क्या? यही बोलना चाहता हूँ, थोड़ा टायर्ड हूँ, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ अगर प्लान तेरा है तो तू ही ले चल कहीं अच्छी जगह। देखो मेरे को तो बहुत कुछ पता है। देखो मेरे को बहुत सरप्राइज तो मैं दे रही हूँ, बट मेरे को बहुत सारे अच्छे क्योंकि बीच में बोलते हैं बोलने के लिए, तो भाई साहब यही ले जाएगी, जहाँ ले जाएगी। और खाने की तो बहुत इच्छा है पर बहुत टायर्ड हो, तो वो भी नहीं मन कर रहा खाना, तो देखते हैं क्या खाता हो। आज कितना बिल बनाता है इसका? आज मैं आपको एक्यूरेट बिल बताऊंगा कितना बनेगा। लूटने वाले आज? ठीक है, चलता है, एक दिन तो चलता है यार, हस्बैंड के लिए इतना तो चलता है। कुछ चाहिए आपको? हाँ चाहिए था गिफ्ट। क्या? नहीं गिफ्ट नहीं चाहिए, बेल्ट चाहिए, वो मैं ऑर्डर कर लूँगा ऑनलाइन। नहीं नहीं, ऑर्डर ऑनलाइन नहीं करना है, बेल्ट लेदर थिंग्स ऑनलाइन नहीं लेने का। अच्छा ठीक है, तो मोची के ऑफलाइन स्टोर से चालू ही का चेक कराऊंगा। चलो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपको, बहुत थका, थोड़ा फ्रेश होता हूँ, थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही इतना अच्छे दिखते मेकअप में क्या ज़रूरत है, चलो चलो। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो फाइनली होप आप सब अच्छे होंगे, प्लीज सेफ रहिए, केसेस अगेन रेज हो रहे कोरोना के। एंड देखिए कैसे एकदम पटेल की तरह बैठे हैं, कैब में बैठे हैं, पब्लिक प्राइवेट लाइक ये इसमें दिन में कितने लोग आते कितने लोग जाते हैं वो सिर्फ एक ड्राइवर जानता है। और इनको देखिए बिना मास्क के बैठे हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, इनको कोरोना होगा तभी तो समझ आएगा। वैसे हम दोनों पॉजिटिव हो चुके हैं 2 बार, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एक्चुअली। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा लाइक यूनिवर्सल जो बीमारी है कोरोना वो हुआ हमें। सो आई थिंक वी आर फ्रॉम द सेम यूनिवर्स। सो यस, सो अभी हम लोग प्लान बनाए थे एंड बहुत पीछे पड़ गई थी बाद में शूट के बाद, वो छोटा क्लिप बनाने के बाद कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है कहाँ जाना है। आई टोल्ड हर कि चलो एक पुरानी यादें ताज़ा करते हैं, जहाँ तो अपनी मॉम डैड के साथ जाया करती थी जब व्हेन यू वर स्मॉल। सो लेट्स गो टू द सेम रेस्टोरेंट एंड आई मेक श्योर कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगा रेस्टोरेंट कैसा है, बहुत अच्छा है, फैमिली है, फिर बाहर है। गाइस ये बारिश हो गया ना आज, अरे यार बहुत क्लाइमेट खराब हो गया मुंबई का। अगर आप मुंबई से हो तो गाइस प्लीज लाइक करना, इस बात पे लाइक क्या करना है यार, लाइक तो करेंगे यार, लाइक करना तो आपका काम है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लव एंड सपोर्ट, जो सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और बढ़ाओ यार, 500 आ रहा है नजदीक, गिव अवे तो करना ही है। गिव अवे होगा और मुझे जहाँ तक पता है मैंने शायद गिव अवे के लिए सेलेक्ट कर लिया है, फिल्टर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बंदा भले ही कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, ही इज जस्ट डूइंग व्हाट आई सेड इन द वीडियो, लाइक जो आपको करना चाहिए था। बैकपैकर्स हैशटैग हमेशा यूज करता है वो, हमेशा ही कमेंट, सम भले वो मैं जानता हूँ कि वो क्यों कमेंट कर रहा है, क्यों हैशटैग यूज कर रहा है वो, अगर अभी ये वीडियो देख रहा है तो दिल ही दिल में मुझे गाली दे रहा होगा कि भाई तू मेरा नाम क्यों ले रहा है, नाम नहीं लिया है भाई। हाँ इसीलिए नाम नहीं लिया, नाम तो आना है भाई तेरे साथ, जब मैं तुझे गिफ्ट दूंगा तो ऑब्वियसली उसका भी रिकॉर्ड करूंगा, वो भी दिखाऊंगा मैं सारे व्यूअर्स को कि मैंने किसको क्या दिया है।
सो गाइज अभी के लिए मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगा आपको, एंड इट्स बीन ऑलरेडी 2 मिनट्स, मैं बहुत बड़बड़ कर चुका हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। मेरे को सिर्फ एक बात बोलना है कि गाइज प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, 500 के ऊपर सब्सक्राइबर्स जाने पर हम हमारा लोगो लाने वाले हैं। सो अगर कोई एडिटर होगा मेरा व्यूअर लाइक जो लोगो एडिट्स करता होगा तो प्लीज मुझे DM कर दो यार, अगर आप अच्छा कर दो तो प्लीज मुझे हेल्प कर दो थोड़ा, जस्ट बिकॉज टाइम बहुत कम होता है और जो ये काम है ना ये लोगोज बनाना इट्स नॉट दैट इजी, जितना लोग सोचते ना अरे क्या यार इसका लोगो दे कैसा है ऐसा है, सो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर गाइस, इतना ही बोलूंगा मैं। डोंट जज एनीवन, यू डोंट हैव द राइट टू जज एनीवन गाइस, क्योंकि तुम उसके मॉम डैड नहीं हो, यू नेवर मेड हिम और हर राइट, यू नेवर नो हिज सिचुएशन। सो अभी चाचा बहुत थ्रिल ड्राइविंग कर रहे हैं जिस वजह से कैमरा बहुत हिल रहा है, तो मैं आपको डायरेक्टली मिलता हूँ रेस्टोरेंट में, चलो बाय गाइस। सो गाइस देखो हम लोग पहुंच चुके हैं आशीर्वाद रेस्टोरेंट परमिट रूम, नाउ देख लो एम्बियंस बहुत अच्छा है बाहर से अंदर भी और अच्छा है, चलो चलो बैठ गया मैं लेट गया, मैं एक्चुअली पता नहीं बहुत टायर्ड हूँ तुम्हें से प्रॉपरली सोया नहीं हूँ। सो यस वी आर बैक टू आशीर्वाद। तो ये है ना मेरे पेरेंट्स मेरे को लाते थे, मेरे पापा वगैरह वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही रहेगा हम आशीर्वाद कितनी बार आते थे, एंड आपका फेवरेट होटल है ये पता है, आई एम मिसिंग यू टू, सो आई शो यू द एम्बियंस गाइस, एंजॉय द वीडियो। Enjoy the view guys, वो ये है ना फैमिली है सामने अलग है उनका, और आज हम लोग आपको पूरा प्राइस में स्टार्टर ये तो कुछ बोला ही नहीं मैंने, वो व्हाट इज फिश फिंगर, मेरे को भी नहीं पता सर फिश फिंगर में कौन सी फिश है, आपका शुरमा ही होगा, शुरमा ही बना देगा ना, कंप्लीट भी हो जाएगा उसका प्राइस ऐसे रहेगा सेम है प्राइस सेम है, तो एक फिश फिंगर जो आपकी चॉइस शुरमे क्या है वो रूही का था, रूही जो मैं खाती हूँ मीठे पानी का मच्छी, उनको बताओ नहीं उनको नहीं बताएगा, मैं बोल रही हूँ बोल रही हूँ, तू बता तो सही बोल के तो देखो सब तो समझेगा, जूर में मीठे पानी वाला मच्छी है समुद्र पे मच्छी, हाँ बड़ा होता है वो स्लाइसेस में आता है यहाँ पे, हाँ करेक्ट समझ गया सुरमई इज समथिंग, हाँ एक काम करो नहीं पॉम्फ्रेट ही सही रहेगा, हाँ चलेगा फिश फिंगर कर दो एक, कितना टाइम लगेगा इसमें आई थिंक टाइम लगेगा, हाँ चलेगा पनीर वेज में बोलो वेज, एक चिकन चिली नो बहुत सॉफ्ट है मैंने कलर किया 65 यस वन चिकन 65 वन फिश फिंगर पॉम्फ्रेट, ये हमारा स्टार्टर है चिकन 65 और चिकन समय भी अच्छा चलते हैं इधर का शंघाई तो मेरे बहुत बार खाए हैं हां आपके इधर हम इधर ही आते हैं बहुत पुराने हैं हमने तो हमारे मॉम डैड है इसके मेरे में चलेगा दे दीजिए ऑर्डर यस फिश फिंगर को मतलब जितना स्पाइसी हो सके स्पाइसी बना जितना इन द सेंस इतना नहीं बट नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा स्पाइसी तीखा लगना चाहिए खाने पर नहीं चलो पीछे मैं रखता हूँ मेरे पास एक मिनट ना चले हमको और भी ऑर्डर करना है ना इसके लिए
ये देखो इनका एक कॉम्प्लीमेंट्री भी है, आप ड्रिंक्स लो चाहे मत लो, कोई भी टाइप ऑफ ड्रिंक लो, हार्ड लो या सॉफ्ट। देखो ये निकाली है, देखो ड्रिंकिंग वोडका जो आपने को सख्त मना करके आपने मेरे को छुड़वाया है ये, बट आज पीने दो। बट दैट्स नॉट वोडका, स्प्राइट है यार। गाइस ये है चिकन 65। अभी मेरे मुंह में जाने वाला है, आपको टेस्ट करके बता, बहुत गर्म होगा। मस्त है, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। वही मैं सोच रही हूँ ऐसा क्यों, डॉक्टर ने बोला थोड़ी किया हुआ है। बहुत हॉट है गाइस, चिकन इज वेल बॉइल्ड बिफोर कुक्ड, बहुत अच्छा टेस्ट है, क्रंची है, सॉफ्ट भी है। चलेगा, आई डोंट रिक्वायर इट, अच्छा लग रहा है। ऑल यू वांट टू डू इज कम एंड हैव फूड इन आशीर्वाद, दे रियली हैव गुड टेस्ट। टेक्सचर में क्रंच और सॉफ्ट दोनों भी है। मुझे खाने में स्पेशली बाहर का वेजीज या बेसिकली चिकन से ज़्यादा उसका जो ग्रेवी एंड मसाला होता है वो पसंद। जैसे कि तो, जैसे कि दिस ग्रीन लीव्स, अच्छा अच्छा हाँ, गरम मसाला, दैट इज रियली गुड, स्पाइसेस बोल सकते हो ना। सो तब तक कब आ रहे हो, आ जाओ अभी आएगा हमारा नेक्स्ट स्टार्टर, तब तक हम ये एंजॉय करते हैं। और आप वीडियो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो यार, कब ना बार बोल रहा बड़े आपको, नवंबर खत्म होने के पहले प्लीज ट्राई कीजिएगा 500 हो जाए। दिस इज द फिंगर, फिश फिंगर जिसमें पॉम्फ्रेट यूज हुआ है। Let's taste with the foam there. You can eat just pick it up. It's too hot now. What is this? Raita type. See these guys. कितना crispy है वो। Crispy with soft mutton inside. It's pomfret fish fingers. Try with this. This is sweet. Dahi. With added vegetables. Same. Green carrot and all. Usme chop kiya, finely chopped hai. Bahut acha trick use kiya unhone. But mere ko ye nahi samjha ye sweet kyun hai. Haan, correct hai wo. Sweety hoga wo. So ye kaise ka laga aapko? ये सब डिशेज उन्होंने ऑर्डर किया, मेरे को कुछ नहीं पता आज का। बट टू बी ट्रू इतना खास नहीं है, बट अच्छा जिसकी प्राइस है ना वर्थ है। यू नो गाइस व्हाट,
फर्स्ट टाइम इतने सालों में मैंने फर्स्ट टाइम फिश बाहर खाया है. कभी नहीं फिश बाहर खाया. नेवर ईट फिश आउट. बीइंग अ बंगाली वी नेवर ईट फिश. यू विल इफ यू मैरिज यू डोंट वैसे भी यू वोंट ईट चिकन ऑन राइट. यू वेट बट इन योर चाइल्डहुड राइट ना. हां घर पे फिश घर पे. मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स होटल आते थे. पापा से मैं झगड़ा करती थी मेरे को लेकर चलो. मेरी मॉम का डाइट है ना बहुत कम है. तो एक रोटी खाएगी ना पेट भर जाता है. तंदूरी रोटी आधा खाएगी आधा आधे में क्या होगा पेट भर जाता है. तो खाने में मैं और मेरा डैड ठीक है. अभी हम एंजॉय करते हैं. बाय बाय. सो गाइस ये क्या ऑर्डर किया था. सुरमई संगाई. सो दिस इज हियर. कुछ नहीं दिख रहा. ये बहुत टेम्पटिंग दिख रहा है मुझे. मेरा मन कर रहा है मैं इसी बोल में इसको खाना स्टार्ट कर दूँ. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मज़ा आने वाला है इसे खाने में. बहुत गर्म है रे. अभी जैसे हमने ये ऑर्डर किया था ना गाइस बेस्ट सुरमई आई हैव एवर एट. और इसका स्मेल भी आ रहा है ना. इट्स नॉट स्मेल इट इज खुशबू. ए आई लव दिस फिश. इट्स फकिंग ऑसम राइट नाउ. इसमें खट्टा सा फ्लेवर है गाइस. पता नहीं कहां से आ रहा है. आता है वो बट बहुत टेस्टी है. दिस इज टेम्पटिंग. सो मैं नहीं चाहता आप लोग इस तरह इन्जॉय करो वीडियो पर. मैं आपसे विश करूँगा कि आप जल्द से जल्द आशीर्वाद पहुँचो जो भी मुंबई वाले हैं. इट्स इन दादर गाइस. एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. आई गॉट अ होममेड चपाती विद दिस ना. आई वुड हैव ईटन मोर देन 10 चपातीज विद दिस बोल. No, don't eat this. This one, this is the chili. This is the main material. अरे भाई. जरूर जरूर जाइए की दीदी कुटू. ये इतना नहीं चाहिए मेरे को. चुप. नहीं बता दो दीदी. वही तो मेन माल है. उसमें तो मच्छी छुपी है. हेलो रविंद्र हम देखते हैं कुछ मंगाएंगे या कुछ क्या. बिकॉज आई एम फुल. नॉट फुल ऑलमोस्ट फुल. खाओ भी भूख तो लगी है यार. चलो एंजॉय करते हैं. बाय बाय. सॉफ्टेस्ट नान विद चिकन भट्टी. लेट्स टेस्ट दिस. फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही है. चिकन बिल्कुल तंदूर अच्छा लगा. और एक टेस्ट करना. हैव दिस. ये खाना चाहिए गाइस. Let's enjoy it.